अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी दोस्त जीनत। हमारे एम्बिशन इन माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, इस पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आते हैं, लाइक कीजिए और फॉलो करिए। थैंक यू सो मच। आप लोग को ये बनाने लगाने का, आप लोगों के मम्मी को तकलीफ देने का, आप लोगों को तकलीफ देने का ये मकसद नहीं है कि लाना ये लोग खाना, इसलिए ये लोग कर रहे हैं कि जो है आपके अंदर एक शौर जगना कि हम ये बना सकते हैं, ये बेच सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। एक आप लोगों के अंदर आना, जो एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, जो खुद का कारोबार सेल्फ करते हैं, उसके लिए बोल रहे हैं ये लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन इन माइंड पर। आज हम कम्युनिटी स्कूल पर, हमारे साथ है एक्टर हाजी कमाल, अस्सलाम वालेकुम, और एडमिन, आपका नाम? सैयद सलमान एडमिन है। चलिए फुट फेस्ट हो रहा है, हम आपको दिखाते हैं, कंप्लीट कवरेज दिखाते हैं, आइए हमारे साथ। ये है निदा, फिफ्थ क्लास से। पाव भाजी आप बनाए या घर में बनाए? मम्मी सही बोला, मम्मी बनाए। वेरी गुड, सच बोलने वालों की हमेशा जीत होती, सच बोलना हमेशा। ये है चाइनीज सैंडविच, शाजिया, सेवंथ क्लास। शाजिया आपका नाम? शाजिया। चाइनीज सैंडविच, चीज सैंडविच है वो। अरे मेरी इंग्लिश खराब हो गई, चलो मेरे MBA का सर्टिफिकेट वापस ले लो। तो ये आप बनाए, मम्मी बनाए? आप बनाए, सच्ची झूठ नहीं? वेरी गुड, ऐसे ही बनाते रहो, अगली बार ज़्यादा बना के ला के हमारे को ही खिलाओ। बहुत है, ज़्यादा खुद खाएंगे। आपको नाम है? शहजाद, नाइन्थ क्लास, पानीपुरी। एट्थ में है? ओके, शहजाद गलती से नाइन्थ है मगर एट्थ में है शहजाद, पानीपुरी। ये तो आप बनाए पक्का, समझ रहे हो? बच्चों को पानीपुरी बनाने का बहुत शौक रहता है, मगर खाने का शौक बच्चियों को रहता सिर्फ। आफरीन, फिफ्थ क्लास, खीर। आप बनाए मैं खीर? मम्मी बनाए, सच्ची बोलने वाली बच्ची। ये है स्प्रिंग रोल, महीन, उनिसा, टेंथ क्लास। ये तो आप बनाए, खरीद के लाए सो है? नहीं, बनाए सो है। बनाए सो है? पक्का? पक्का। मगर देखने की मेरे हिसाब में तो होटल का दिख रहा है ये, माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाए। ये बोलते हैं मीठा वड़ा, फिफ्थ क्लास। क्या ये डोनट है? मगर वड़े के ऊपर चॉकलेट डाले, ये मीठा वड़ा कौन बनाए? मैं दीदी। दीदी बनाए, चलो माशाल्लाह। ये क्या है? यक्षिया, यशिका एट क्लास। ये क्या बनाए? ब्रेड ऑमलेट। आप बनाए? मम्मी बनाए। चलो वेरी गुड, मम्मी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही सपोर्ट करना, अपन भी घर में मम्मी को सपोर्ट करना। अफशा, ओके गलत लिखे हुआ, अफशा है। ब्रेड पकौड़ा, सिक्स क्लास। आप बनाए? मम्मी बनाए। मम्मी आपकी मदद करें, आप मम्मी की मदद करना, ओके? वेरी गुड। ये देखो, खा के पी के बदला मिलना, पराठे वाले खाली हो गए मगर खाली है तुम, अच्छे मोटे तोड़ खड़े दिख रहे। ये देखो चिकन बिरयानी खाली बीच में खा लेते बैठ रहे। ये क्या है? रजनी, बसबुंदा। क्या है ये? बसबुजा। ये कहाँ की डिश है? बा दुबई की डिश है वाला। हबीबी आइए दुबई। आप लोग दुबई रिटर्न? फिर कहाँ से आ रहे दुबई के डिश? हमारे को नहीं मालूम होते। कौन बना मम्मी? यस। वेरी गुड। गाजर का हलवा, ये तो खासम खास। माहिन बेगम, टेंथ क्लास। आप बनाए? नानी बनाए। नानी का तो स्वाद जाते खुद चखना पड़ेगा। ये तो मम्मी बनाए सो है ये चुड़वा। खासिम अमला फिफ्थ क्लास। आप है? आप ही जाए खासिम अमला? हाँ। ये कौन बना जुड़वा? मम्मी बनाए, ओके। ये क्या है? गुलाब जामुन। ना गुलाब है ना जामुन है, खाली कटोरा है। मैं हो गया सर, हो गया। मैं भी सुनता ना, नाइन्थ क्लास। आप बनाए क्या? पेरेंट्स बनाए, हम उसके हेल्प करें। माशाल्लाह ये बात बहुत अच्छी है, देखो इतना अच्छा बनाए हेल्प करने की तरफ से, खत्म ही हो गया। ये हमारा दही बड़ा बहुत स्टॉक बचे हुआ है। कौन बनाई है? जिनत, हम, हमारे मम्मी। मम्मी और आप दोनों मिल के बनाए, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। 15 रुपये प्लेट है, रमजान में बिकेगा अच्छा ही। ये क्या है? जायरा, टेंथ क्लास, दही पूरी। यस। कौन बनाया? मम्मी और हम।
मम्मी और आप दोनों मिलके बनाए। ये दही, ये पूरी तो बाहर से खरीद के लाना। ये इसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स मम्मी और हम बनाने हैं। वो बाहर से खरीदो, सूरत से दिख रहा हो, झूठ बोले तो पकड़े जाएगा। चिकन बिरयानी जया, नाइन्थ क्लास, मम्मी बनाए। मम्मी बनाए, मम्मी बनाए, मम्मी बनाए। माँ ओके, वेरी गुड। आपके पास क्या है माँ? एक सैंडविच जो खत्म हो गया सब। हाँ, मम्मी बनाए थी। नहीं, हम मम्मी हेल्प कर रहे हैं, हमें बनाए। हेल्प अपन करें। साबूदाना पाया चन्मा साई, मम्मी बनाए, मम्मी बनाए। आप भी हेल्प करें, नहीं करें? करें। सताने में नहीं, कुछ तो करेंगे। चलो बहुत अच्छी बात है माँ, कीप इट अप। आप सब बहुत बेहतरीन करें इंशाल्लाह, और करिए। आप लोग ऐसे ही करते रहिए। आप लोग को ये बनाने लगाने का, आप लोगों के मम्मी को तकलीफ देने का, आप लोगों को तकलीफ देने का ये मकसद नहीं है कि लाना ये लोग खाना। इसलिए ये लोग कर रहे हैं कि जैसे आपके अंदर एक शौर जगना कि हम ये बना सकते हैं, ये बेच सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। एक आप लोगों के अंदर आना, जो इंटरप्रीनियर बोलते हैं, जो खुद का कारोबार सेल्फ करते हैं, उसके लिए बोल रहे हैं ये लोग। तो आप लोगों से यही कहना चाह रहा हूँ कि माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाए, बनाओ और बनाओ। मम्मी की हेल्प लेके बनाए, थोड़े जने मम्मी से बनाने लगाए। आपकी तो एक छोटा सा स्मॉल मोमेंट हो हमारे स्कूल की तरफ से, ताकि यादगार रहे हमारा स्कूल। आपके इंशाल्लाह अल्लाह आपको रात दिन तरकीब में इजाफा करता रहे, दीन और दुनिया में इंशाल्लाह ताला। हम सब की दुआएं आपके साथ है, अल्लाह आपके हर जायज मकसद को पूरा करे, आमीन इंशाल्लाह ताला। तो एक छोटा सा मोमेंट है सर, प्लीज एक्सेप्ट करिए सर। हमारे साथ प्रिंसिपल साहब है ब्रिस्बेन इंटरनेशनल स्कूल के। सर आपका नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम साहब, शुक्रिया आपका कीमती समय देने के लिए और हमारे बुलाने के लिए। सलीम साहब, स्कूल आप स्टार्ट कर रहे हैं? जी जी जी, ये 2019 में स्टार्ट कर रहे थे हम। 2019 में आपको ये कैसा दिमाग में आया कि मैं स्कूल चलाऊंगा, स्कूल स्टार्ट करूंगा? आप प्रिंसिपल बनने से पहले जैसे कि आपको एक मोटिवेशन आया कि भाई मैं स्कूल स्टार्ट करूंगा, ये बच्चों को पढ़ाऊंगा, ये करूंगा, बल्कि आपको कैसा एक इंस्पिरेशन कैसा आया आपको ये चीज़ का? जी जी जी, एक्चुअली क्या हुआ था, जैसे मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करा, बहुत कोशिश करा कि कुछ जॉब्स ऐसा सिक्योर हो जाए कि जिसमें जी जॉब कुछ ऐसा चाह रहा था कि मैं कि सिक्योर हो जाए, कि अपना फ्यूचर सिक्योर हो, और ये चाह रहा था कि कुछ ना कुछ खिदमत भी करूँ। पर यह देखा कि मैं कोई भी कॉरपोरेट वर्ल्ड में अगर काम करता हूं तो वक्त वास्ता का एक टाइम तक का काम होता है, उसके बाद जो है वो लोग खुद कुछ ना कुछ रीज़न से जो है एम्प्लॉइज़ को जो है शॉर्ट आउट कर देते हैं। तो मैं इसके वास्ते सोचा कि क्यों ना एक ऐसा वो है कि जिसमें कौम की खिदमत भी हो और जो है मेरा भी कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी हो, जनरेट हो, और मैं खुद लोगों को, दूसरों को जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूँ। तो अल्लाह जो है मेरे जहन में एक स्कूल का आइडिया डाला, छोटे से शुरुआत करा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आज तीन स्कूल्स हैं मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह। एक ब्रिस्बेन के नाम से, एक अब्राहम के नाम से, एक दूसरे नाम से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के। कहाँ पर है वो स्कूल आपके? जी एक स्कूल जो है किशनबाग पे है, असद बाबा नगर पे है, ये जहाँ हैदरपुर पे जी, और एक शास्त्रीपुरम पे है, शास्त्रीपुरम जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो है अल्लाह के फजल करम से हम लोग जो है ये स्कूल्स जो कर रहे हैं, इसमें क्या है काफ़ी गरीब बच्चों को जो है फ्री तालीम होती है, एजुकेशन, और जो है हमारे को जो है काफ़ी सारे फंड्स आते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से। हमारे जो जानी सर है सफ़ा बैतुल माल के जो इंचार्ज हैं, हमारे बहुत कोऑपरेटिव मेंबर है, जो कि सफ़ा बैतुल माल एक काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सबको सब जानते हैं उसके बारे में, सफ़ा बैतुल माल के। तो इनके तरफ से भी हमारे को काफ़ी इमदाद आती है, ये आती है जिससे कि हम बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, और अतापुर के जैसे बड़े एरिया में किराया भरना, ये भरना, ये आसानी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अदा हो जाता है। और आप स्कूल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी आज जो है हम फूड फेस्टिवल मुकर्रर किए हैं। इसका मकसद ये था फूड फेस्टिवल का कि इसमें जो है जैसे कि हमारा एक स्कूल जो है टोटली सेक्युलर स्कूल है, जिसमें मोस्ट ऑफ द 45-50% जो है मुस्लिम लोग है, और बाकी 50% जो है
नॉन मुस्लिम्स है, जिसमें जो है नॉन मुस्लिम्स भी है, हिंदूज भी है, सिख्स भी है, क्रिश्चियंस भी है, मारवाड़ीज भी, अलग अलग तरह के हैं। तो हमारा मौका यह था कि भाई मुस्लिम्स तो अमूमन मुगलई खाना ये होते रहता है, तो क्यों ना इनको एक ऐसा माहौल बताया जाए या ऐसा खाना खिलाया जाए कि जो लोग जो हिंदू दोस्त खाते हैं ये खाते हैं, तो वो लोग भी जो है हिंदू दोस्त अपने जो फेस्टिवल्स में करते हैं तो इनको पता भी चलता है कि फेस्टिवल में क्या पकता है इनके, और हिंदूज नॉन हिंदूज को भी पता चलता है, जो मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स होते हैं उनको भी पता चलता है कि मुस्लिम लोग क्या फेस्टिवल में पकाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक एक्सचेंज ऑफ फूड होता है कि भाई ये हमारे इसमें है ये है, और इसमें दूसरा क्या है कि एक बिजनेस करना सीखते हैं बच्चे, प्रॉफिट करना सीखते हैं कि लॉस प्रॉफिट कैसे किया जाए। कि अब जैसे कि ये फूड फेस्टिवल है, इसमें क्या करें वो लोग कि भाई हमारा टोटल खर्चा क्या हुआ, प्रिंट आउट इतने का आया, इन्विटेशन हम ये दिए, ये टोटल फूड का ये है, अब कॉस्ट ऑफ फूड ये रखेंगे, इसमें से इतने प्लेट रखेंगे। तो क्या हो जाता है, एक मिनी एंटरप्रेन्योर तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं हम हमारे बच्चों में, कि आगे आगे जाके वो जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तरह पे जाए, कि वो लोग किसी के ऊपर निर्भर ना हो। जैसे एक वक्त में मैं परेशान हुआ, ऐसे जो है हमारी कौम के बच्चे चाहे कौन से भी कौम के वो जो है परेशान ना हो इंशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा तो इसके बारे में जी। इसमें इसमें जो है काफ़ी मेहनत हमारे टीचर्स ने भी की है, स्पेशली जो है हमारे सपना मैम और समीना मैम ने, सपना मैम एंड समीना मैम जो है जो हमारे फूड फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर कम इंचार्ज थे, काफ़ी मेहनत दी, क्योंकि काफ़ी सारे पेरेंट्स को कई सारे क्वेश्चंस थे, आपको ये बोलना वो अजीब लगेगा ये सुनने में कि बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स को समझाना मुश्किल होता है कि भाई बच्चों को पार्टिसिपेट कराओ। क्यों बोले तो अभी तक ये एक्टिविटी नहीं हुई, ये क्या है, ये नया है, पढ़ाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ये पेरेंट्स को काफ़ी सारे कॉल्स करना, पेरेंट्स को काफ़ी सारे करना, इतना करने कन्विंस करना पड़ता, और उसके बाद ये समझाना है कि भाई ये ज़रूरी क्यों है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये समझाने में दोनों कम्युनिटी का एक मिला जुला रहा। क्यों बोले तो सपना मैम शी इज़ वेरी फेमिलियर विद द तेलुगू एंड द हिंदी एंड इंग्लिश ऑल्सो, एंड समीना मैम इज़ वेरी गुड इन इंग्लिश एज वेल एज इन द उर्दू, सो द कम्युनिटी प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये दोनों मिलकर क्या करें कि पेरेंट्स को अच्छे से समझाए, एंड द रिजल्ट्स आर वेरी गुड, वी आर सीइंग दैट आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट ओनली 40 स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड राइट नाउ, हम देखेंगे कि इंशाल्लाह इन द नियर फ्यूचर द नंबर विल बी इंक्रीज, ठीक है ना, अगले साल जो है नंबर जो है अच्छा से और बढ़ेगा, बिकॉज ऑफ द पैंडमिक सम ऑफ द पेरेंट्स हैव नॉट पार्टिसिपेटेड। यस सर, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए आप ऐसे क्या एक्टिविटी करते रहते हो आप? हाँ, और या क्या करने का प्लान है आपका कुछ? हाँ, कोई प्लान है आपका? यार अभी क्या है कि हर बच्चे में अल्लाह ताला एक यूनिक खासियत दिया है, तो हम आपको चाहिए कि वो यूनिक खासियत यंग एज में आइडेंटिफाई कर ले हम, और वो उसके पीछे यंग एज में काम करना चाहे। जो कि जो है बहुत जो फॉरेन कंट्रीज या जो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज है वो लोग क्या करते हैं बच्चे के पीछे शुरू से काम करते हैं, कि वो लोग बच्चों को देख लेते हैं बच्चा अच्छे इसमें अच्छा है या टेनिस में अच्छा है या स्पोर्ट्स में अच्छा है, और उसके पीछे और कोचिंग देते हैं और वो लेवल पर काम करता है। तो हम लोग भी क्या कर रहे हैं कि अलग अलग काउंसलर्स को बुला रहे हैं और देख रहे हैं कि भाई इसमें से देखिए कि कौन से बच्चे कौन सी फील्ड में जा सकते हैं। तो अब आजकल जो चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का माहौल चल रहा है, जो कि बहुत वो है, देखेंगे आप नियर फ्यूचर में देख रहे हैं कि कुछ कार्ड ऐसे आ गए जिसमें ड्राइवर्स की इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब ज़रूरत है बोला तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने की ज़रूरत है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स की जो है नॉलेज बहुत एक्सपर्टीज लेवल पे मिले, हाँ, ताकि ये बच्चे जो है क्या करें कि बड़े बड़े कंपनीज में ये अपना एक अच्छे तरह से सिक्का जमा सकें। और हम ये जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर को है थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट करना चाह रहे हैं, बड़ा कॉन्सेप्ट इन द सेंस जैसे कि आज हमने फूड फेस्टिवल की शुरुआत की और हमें समझ में आया कि कितने लोग फूड फेस्टिवल के लिए इन्वॉल्व है, कितने लोग हुए नहीं है। अब इसको देख के क्या कर देंगे हम कि पेरेंट्स को हम या बच्चों को हम ये बोलेंगे कि भाई आप लोग खुद से कोई चीज़ इन्वेंट करने की कोशिश करो, और उसके बाद भी क्या करेंगे हम कोई कंपनीज को बुलाएंगे कि भाई ये बच्चा ये इन्वेंट करा क्या है, इसको आप फर्दर लेवल पे फंड कर सकते हैं क्या, अगर वो कर सकते हैं बोला तो ये बच्चा जो है आगे बहुत बड़ा हो सकता है। कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे जो कि एप्लीकेशन बनाने में बहुत एक्सपर्ट है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि वो एक्सपर्टीज को अगर और उसको अच्छी से कोचिंग करें ये करें तो ये बच्चे बहुत आगे निकले। तो इसके लिए क्या है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ काम करें, इंडिविजुअल भी या गरीब बच्चों को अगर आप डायरेक्ट फंडिंग भी करेंगे बोला तो ये लोग बहुत अच्छा है। आप लोग चाहे तो या तो चैनल के जरिए या तो हमारे जरिए आप बच्चों से डायरेक्ट नंबर ले लेके उनसे। तो हमारे साथ एक छोटी सी लड़की है मासूम सी जिसका नाम जारा है, वो कुछ बोलना चाह रही है, बोलिए मजारा। थैंक यू सर हमारे हर एक स्कूल में आने के वास्ते और हमारे हर एक फेस्टिवल में जो है सो हमारे साथ रहने के लिए। जब आप आते हैं हम हमारे स्कूल में बहुत अच्छा दिखता सर, बहुत थैंक यू सर हमारे हमारे साथ आने के लिए। हम लोग ये चाह रहे सर कि आप हर हफ्ते को हफ्ते महीने को महीने हम लोग के पास आते हो। यस सर, थैंक यू।